प्रश्नमाला 2i अभी हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के संयोगी विलोम लिखिए। तो पहला है 8/19, तो इसका संयोगी विलोम क्या हो जाएगा, -8/19। देखिए ये प्लस में है दोनों संख्या, तो इसमें प्लस में है दोनों संख्या, यानी प्लस में है पूरा ये, तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी विलोम मतलब प्लस को माइनस कर देना है, माइनस को प्लस, तो ये हो जाएगा -8/19। दूसरा में देखिए -3/7, तो इसका संयोगी विलोम हो जाएगा 3/7, बस माइनस हटा देंगे, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 है, तो इसका संयोगी विलोम हो जाएगा 2। सी में, डी में देखिए -4/-9 है, तो इसका संयोगी विलोम हो जाएगा -4/9। देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस जब दोनों है तो ये कट के प्लस बन जाएगा, तो 4/9 के 9 का संयोगी विलोम हो जाएगा -4/9, ये प्लस में हो गया, माइनस माइनस दोनों जगह, तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों कट के कट जाएगा, मतलब हट जाएगा ये दोनों, तो 4/9 का संयोगी विलोम हो जाएगा -4/9। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रम लिखिए, यानी उल्टा करके लिख देना है, अंश को हर और हर को अंश कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है 3/11, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 11/3। इसमें देखिए दूसरा है 6/-19, तो इसका व्युत्क्रम होगा -19/6, यानी उल्टा बस लिख देना है। देखिए अंश है को हर कर देना है और हर को अंश। इसमें देखिए -4/-13 में हो जाएगा -13/-4। डी में हो जाएगा 22/-9, -9 ऊपर है तो यहां पे नीचे हो जाएगा इसमें व्युत्क्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जोड़िए, कह रहा है जोड़िए, इसको जोड़ना है हमको। तो देखिए 3 का पहला क्वेश्चन है 12/5 प्लस और करके है, तो हमको जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह देंगे यहाँ पे, तो 12/5 + 8/5, तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, 5 होगा, तो 5 लिख लेंगे, तो 5 5 5 का लघुत्तम 5 ही होता है, तो 5 लिख लेंगे। 5 से एक बार में लग रहा है, तो 1 से 12 गुना करेंगे, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे प्लस, फिर 5 से 1 बार में ये 5 लग रहा है, तो 1 से 8 में गुना करेंगे, तो 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20/5, जो कि 5 और 20 4 बार में कटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, पहला का आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए दूसरा, दूसरा में 7 और 14 का लघुत्तम कितना होगा, 14। ठीक है, जो बड़ा रहता है उसको लघुत्तम ले लेते हैं, अगर पहाड़ा है तो देखिए 7 × 14, तो 14 इसका लघुत्तम हो जाएगा, तो 7 से 2 बार में लग रहा है, तो 2 से 3 -3 में गुना करेंगे, तो -6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 14 से 1 बार में 14 लग रहा है, तो 1 से 9 में गुना होगा, तो 9 लिखेंगे, तो 9 में से 6 गया 3, 3/14 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, तो 11/22 का लघुत्तम कितना होगा, 22, 11 × 22 होता है, तो 22 लघुत्तम होगा, तो 11 × 22, तो 8 दूनी, यानी -8 दूनी -16। ठीक है, 22 से 1 बार में, तो -3 × 1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3 × 1 -3, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे -3 लिखेंगे, प्लस नहीं देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -19/22, तो इसका आंसर हो जाएगा -19/22। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, तो कह रहा है -4 + -2/-3, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे लघुत्तम -3 और इसके नीचे क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो -3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, -3, तो यहाँ पे -3 लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 से कितना बार में -3 आ रहा है, -3 बार में, तो -3 × -4 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 × 12। ठीक है, अब देखिए -3 से 1 बार में आ रहा है, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और -2 को प्लस के साथ करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/, देखिए यहाँ पे माइनस है नीचे,
माइनस तीन लिखेंगे तो माइनस तीन, माइनस हमेशा ऊपर लिखाता है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ये माइनस कहाँ चल जाएगा, माइनस दस के साथ ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, आंसर में हमेशा माइनस को ऊपर रखना है, तो -10/3 इसका आंसर होगा। देखिए माइनस ऊपर क्यों आता है, क्योंकि देखिए अगर नीचे भी रहेगा तो भाग करेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा भाग करके, ठीक है, जो भी भाग आएगा उसमें आ जाएगा, इसीलिए माइनस को ऊपर कर लेते हैं नीचे वाले को। अब देखिए पचमा है, तो 39 और 26 का लघुत्तम कितना होगा, तो 39 दूनी होता है 78, ठीक है, 78 26 से भी कटता है, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 78, तो 39 दूनी 78, तो 11 दूनी -11 दूनी -22, 26 तिया 78 तीन बार में लगेगा, तो 7 -7 तिया -21, तो यहाँ पे -21 लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो -22 -21 कितना होता है, 2 1 3 2 2 4, यानी -43/78 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल कीजिए, तो इसको हमको सरल करना है यानी जोड़ करना है, भिन्न का जोड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -2/3 प्लस -7/-8 प्लस -3/5, तो पहले हम इसको -2/3 प्लस 7/8 और प्लस -3/5 लिख देते हैं, इसका माइनस दोनों हटा देते हैं क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये दोनों हट जाएगा, तो इस तरह से अब इसको लिख लेते हैं ताकि जोड़ने में हमको आसानी होगा। अब देखिए 3 8 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 8 5 40 40 दिया 120, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे, तीनों को गुणा करेंगे क्योंकि कोई अंक लग नहीं रहा है, दो अंक किसी से, तो हम इसको गुणा कर देंगे, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 120, 3 से कितना बार में 120 आता है, 40 बार में, तो 40 दूनी कितना होगा, 80, यानी -80 माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे -80, 8 से कितना बार में आ रहा है, 8 से आ रहा है ये 15 बार में, तो 15 सते कितना होता है, 105, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 105। उसके बाद 5 से कितना बार में आ रहा है, तो 5 दूनी 10, 24 बार में, तो 24 दिया -72, ठीक है, तो यहाँ पे -72 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे -72 लिख देंगे। अब देखिए -80 और -72 पहले जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 8 7 15, यानी -152, और प्लस है 105, और नीचे क्या है 120, ठीक है, बराबर को साइन सामने देंगे एकदम बीच में। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ करके यह है 105, यहाँ पे लिख दिए हैं, 152 बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है, 152 में से 5 गया, तो 12 में से 5 गया 7, 4, ये 4 हो गया, 4 0, यानी -47/120 इसका आंसर होगा। पांच का ये देखिए, कह रहा है कि -8/9 प्लस 17/21 प्लस -4/-7 को परिमेय संख्या के मानक रूप में सरल कीजिए, तो पहले हम इसको कैसे लिख लेंगे, देखिए -8/9 प्लस 17/21 प्लस 4/7, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, भागा में है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो अब देखिए इसको हम मानक रूप यानी जोड़ेंगे पहले, उसके बाद इसका आंसर आएगा। तो देखिए 9 21 और 7 का लघुत्तम, 21 दूनी क्या होता है 42, 21 दिया 63, तो 63 देखिए 42 9 से नहीं कट रहा था, लेकिन 63 जो है दोनों से कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 63 इसका लघुत्तम हो जाएगा, 9 7 63, तो 7 8 56, यानी -56 क्योंकि माइनस है यहाँ पे। अब देखिए 21 दिया 63, तो 17 दिया 51, 7 9 63, तो 9 4 36, तो यहाँ पे देखिए -56, और ये दोनों जोड़ जोड़ है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 6 1 7 5 3 8 87 आ जाएगा /63, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस वाला छोटा है प्लस वाला बड़ा, यानी प्लस में आंसर रहेगा, तो 7 में 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31/63 इसका आंसर हो जाएगा। 5 का B देखिए, 2/21 प्लस -5/14 प्लस -11/14 प्लस 3/7 को परिमेय संख्या के रूप में सरल कीजिए, तो बी में देखिए ये है 2/21 प्लस -5/14 प्लस -11/14 प्लस 3/7, तो
इसको हम बराबर देंगे। अब देखिए 21, 14 और 7 का लघुत्तम कितना होगा, 21 दूनी क्या होता है 42, तो 42 देखिए तीनों से चारों से कट रहा है तो यहाँ 42 लिख देंगे, तो 21 दूनी 42, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 14 से कितना बार में 42 आ रहा है, 3 बार में, 14 थिया 42, तो 5 थिया यानी -5 थिया -15, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे प्लस हटा के, तो यहाँ पे हो जाएगा -15, ठीक है। अब देखिए 14 थिया 42 यहाँ भी हो रहा है, तो -11 थिया -33, तो यहाँ पे लिखेंगे -33, 7 छक 42, तो 6 थिया 18। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब जोड़ेंगे तो 4 और 18 4 कितना होता है 22, जोड़ जोड़ वाला को जोड़ेंगे तो 18 4 22, माइनस माइनस वाला को अब जोड़ेंगे 5 3 8, 3 1 4 48 होगा, 48 बटा कितना है 42, देखिए ये 4 है, ठीक है 4 है ये, तो माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो माइनस में आंसर आएगा यानी 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, तो -26/42। अब देखिए ये कट रहा है किससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, तो 2 से 13 दूनी 26 और 21 दूनी 42, यानी इसका आंसर आ जाएगा -13/21, ठीक है। देखिए माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो -13/21 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से इसको इस तरह से इसको हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर छठा का पहला देखिए, परिमेय संख्या -4/13 में से -3/26 घटाइए, तो ये रहा देखिए 6 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो -4/13 से माइनस ये घटाना है हमको, कह रहा है कि -4/13 से -3/26 को घटाइए, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे और ये चिन्ह तो इसके साथ लगा हुआ है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये हो जाएगा 13 और 26 का लघुत्तम कितना होगा 26, तो यहाँ पे 26 लिखेंगे, ठीक है। 13 दूनी 26, तो -4 दूनी -8। अब देखिए यहाँ पे 26 से एक बार में लग रहा है 26, तो 1 गुने -3 कितना होगा -3, लेकिन -3 और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा -5/26, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/26। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे -7/9 में से 3 को घटाना है, तो -3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 और 1 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -7, और यहाँ पे 1 है तो 1 गुने 9, 1 से 9 बार में 9 लगता है, तो 9 थी 27 यानी -27, तो यहाँ पे लिखेंगे -27 क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखिए -7 और -27 कितना हो जाएगा -34/9, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में रिक्त स्थान में उचित परिमेय संख्या भरिए, तो देखिए यहाँ पे भरना है इस डब्बा में, तो घटाना है इसको, भिन्न का घटाव है, तो इसको घटा करके जो आंसर आएगा उसमें भर देना है या लिख देना है, ठीक है, कॉपी में। तो 1/4 -15/13 है, तो देखिए 13 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 52, 13 चौक कितना होता है 52, 4 से 13 बार में लग रहा है, तो 13 गुने 1 13 यहाँ लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, 13 चौक 52, तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60, देखिए 13 चौक 52, 15 चौक 60, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का में आंसर आएगा, तो 60 में से 13 गया तो 47 यानी 47/52 इसका आंसर आएगा, ठीक है। -47/52 देखिए बी में है -5/14 प्लस, मतलब ये -5/14 के साथ क्या जोड़ेंगे कि -2 आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम यहीं पे पहले बता देते हैं उसके बाद बना लेंगे, तो हमको डिब्बा यहाँ पे भरना है दूसरा अंक, तो डिब्बा को हम यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। बायां तरफ है देखिए ये है बराबर, बराबर के दायां तरफ है -2 और बायां तरफ है -5/14, तो -5/14 को डिब्बा को हम यहीं पर रहने देंगे बायां तरफ, और -5/14 को इधर भेज देंगे दायां तरफ, तो ये देखिए जोड़ में है डिब्बा के साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी डिब्बा बराबर -2 -5/14 हो जाएगा, तो
तो यहां पे हम लिखेंगे -2 -5/14, डब्बा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर भेजेंगे इसको बायां से दायां तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जोड़ में है तो यहां पे माइनस देंगे क्योंकि इधर आया है, बायां से दायां तो चिन्ह बदल जाएगा। तो अब देखिए इसको घटाएंगे तो 14, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 14 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो 1 है तो 14 × 2 = 28, यानी -28, और 14 एक बार में लग रहा है तो 1 × -5 क्या हो जाएगा -5, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे 1 देंगे मतलब 5 देंगे। देखिए एक बार में लग रहा है तो 5 ही हो रहा है 14 से एक बार में, तो 1 × -5 -5 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -23/14। ठीक है, देखिए 28 में से 5 गया, -28 में से 5 गया, -23/14। अब देखिए सी में कह रहा है कि कितना में से इतना घटाएंगे कि -4/-9 आएगा। तो कितना मतलब यहाँ पे कितना, मान लीजिए कितना में से -2/3 घटाएंगे कि -4/9 आएगा। तो इसमें देखिए डब्बा को हम यहीं पर रहने देंगे, यानी बायां तरफ बराबर के बायां तरफ, और -2/3 को हम इधर भेज देंगे दायां तरफ। तो ये माइनस में है डब्बा के साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा -2/3, प्लस में तो -4/-9 प्लस -2/3 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर, यानी डब्बा बराबर। और देखिए -4/9 को हम 4/9 लिख लेंगे क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, भागा में या गुना में, तो सिर्फ 4/9 लिखेंगे इसको, तो इस तरह से लिख लेंगे। देखिए 4/9 प्लस -2/3, ये प्लस में हो जाएगा बाएं से दायां में आके यहाँ पे प्लस देंगे, तो 9 3 का लघुत्तम 9, 9 एक बार में तो 1 × 4 = 4, 3 3 = 9। ठीक है, तो 3 × -2 -6, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे माइनस देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6, तो -6 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का में आंसर आएगा, तो 6 में से 4 गया 2 और 9, यानी -2/9 इसका आंसर होगा। अब देखिए डी में है -4/9 प्लस डब्बा, यहाँ पे डब्बा है बराबर -2/5, तो डब्बा को हम यहीं पर रहने देंगे, यानी बायां तरफ, देखिए बराबर के बायां तरफ है डब्बा, तो डब्बा को हम यहीं पर रहने देंगे, और 4/9 को किधर भेजेंगे दायां तरफ, बराबर के दायां तरफ, तो 4/9 प्लस में है डब्बा के साथ तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -2/5 -4/9 लिखेंगे तो डब्बा बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए डी -2/5 -4/9। ठीक है, तो 9 5 का लघुत्तम कितना होगा, 9 5 = 45, 5 9 = 45, तो 9 × -2 -18, फिर 9 5 = 45, तो 5 6 = 20, यहाँ पे माइनस देंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस है, तो -18 -20 बराबर कितना हो जाएगा, -38/45, तो इसका आंसर हो जाएगा -38/45। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें।